हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल क्या दिया है हमें रोड का वो गैप दिया है सो so, लेट्स ये रोड है एंड ये 80 मीटर वाइड है सो so, वो बोल रहे हैं दो पोल्स खड़े हैं ऑपोजिट साइड पे इक्वल हाइट के मतलब इन दोनों की हाइट है इक्वल चलो आगे देखते हैं From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. So यहाँ पे मान लो कोई point है हमारा ठीक है इस point से इसका angle बन रहा है 60 degree. इसी point पे इसका angle हमारा बन रहा है 30 degree. ठीक है clear figure समझ में आ गई marking कर लेते हैं This is point A, B. Let's call this point C. इसको डी नेम दे देते हैं इसको ई नेम दे देते हैं ठीक है अब आगे पढ़ते हैं फाइंड द द द द द हाइट ऑफ ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम पोल अब देखो हमें क्या निकालना है एक तो हाइट निकालनी है मतलब ए बी निकालना है ई e, डी निकालना है ऑल्सो हमें पता है हाइट इक्वल है तो यहाँ पे मैं पहले ही लिख लेती हूँ ए बी इक्वल है ई e, डी के ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों जो पोल्स है वो सेम हाइट के हैं उसके अलावा हमें निकालना है ये जो पॉइंट है देखो फिगर में ये सेंटर में लग रहा है बट सेंटर में नहीं होगा आगे पीछे होगा ये इतनी सी फिगर आ रही है ना पूरी हाँ सो so, ये जो हमारा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है और डी से सी तक का ये हमें फाइंड करना है मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हमें ए सी फाइंड करना है एंड सी डी फाइंड करना है ठीक है अब अगर ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे अगर मैं पहला ट्रायंगल देख रही हूँ ए बी सी तो इसमें ये बेस है ये परपेंडिकुलर है दोनों चीजें ही निकालनी है उस ट्रायंगल की बात करें अगेन बेस परपेंडिकुलर दोनों ही निकालना हैं सो तो स्टार्ट करते हैं देखते हैं कहां जाते हैं अच्छा बात किसकी हो रही है बेस और परपेंडिकुलर की तो लेना क्या है

इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड करना है ac भी हमें फाइंड करना है लेकिन स्टिल ए सी में हमारे पास एक चीज तो है और वो क्या है देखो अगर ये पूरा ad हमें गिवन है अगर मैं ए सी की बात करूं सो इसको मैं लिख सकती हूं इस पूरे ad में से अगर मैं माइनस कर दूं सी डी इस पूरे एडी में से जो एट्टी मीटर है उसमें से अगर सी डी की लेंथ माइनस कर दू तो मेरे पास ए सी आ जाएगा मतलब आई कैन राइट ए सी है तो आई कैन राइट इज एटी माइनस सी डी नहीं पता ठीक है बट ए सी को मैं लिख सकती हूँ 80 माइनस सी डी ठीक है यहाँ से लिख सकती हूँ सो so, यहाँ पे ए सी की जगह हम लिख देंगे 80 माइनस सी डी ओके सो इधर अगर मैं इस पूरे को ऊपर भेज दूँ तो ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू माइनस सी डी और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली है ए बी की तो ये इसको मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन ए बी की वैल्यू निकाली है बट पूरी एग्जैक्ट नंबर में वैल्यू नहीं है साथ में सी डी भी है तो क्या कर सकते हैं भाई हमारे पास अब ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो ऐसे ही करना पड़ेगा चलो पहले ट्राइंगल का काम का हो गया दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं कलर चेंज कर लेते हैं so now we'll talk about in triangle CDE so CDE triangle की अगर हम बात करें so यहाँ पे again tan use करेंगे कि base और perpendicular की बात हो रही है so tan 30 degree है tan 30 degree क्या हो जाएगा perpendicular upon base perpendicular क्या है ED अपॉन में बेस क्या है हमारे पास सी डी अब अगेन ना तो हमारे पास ई डी है ना ही सी डी है बट हमें पता है ईडी ए बी की एक वो तो देखो यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि जो मैं करा रही हूँ सेम वैसे ही करना है हो सकता है यहाँ पे आप वैल्यू पुट ना करते और इधर सी डी की वैल्यू पुट कर लेते इट इज़ वन ऑफ दी सेम थिंग यहीं पर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होती है लगता है कि हर कोई अलग तरीके से करा रहा है ऐसा नहीं है आप खुद किसी भी तरीके से कर सकते हो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे लाइन वाइज करते हुए जाओ जहां जो पुट करने जिसकी सेंस बन रही है वो करो अब देखो अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू ऐसे निकाल के लिख दू कि सी डी इक्वल है एट्टी माइनस ए के तो मुझे फायदा क्या होगा फिर मेरे पास यहाँ ए सी सब पड़ा है कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगी मैं अब देखो मैं क्या कर रही हूँ और कैसे मैं चीज निकाल पाऊंगी टेन थर्टी तो चलो हमें पता ही है वन अपॉन रूट थ्री है देखो ई डी मेरे पास नहीं है लेकिन ईडी इक्वल है ए बी के ये तो हमें पता है ना कि ईडी इक्वल है ए बी के तो मैं ईडी की जगह ए बी लिख सकती हूँ अगेन क्यों लिख सकती हूँ क्योंकि भाई मैंने ए बी की वैल्यू निकाली हुई है ना मैं लिख पाऊंगी ए बी की वैल्यू सो ई डी की जगह मैंने लिख दिया ए बी अपॉन में सी डी को ही रहने दिया क्यों ऐसे ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पे ए बी में सी डी है ना हमारे पास तो अगर मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी उसमें सी डी आएगा तो यहाँ से मैं सी डी की वैल्यू निकाल पाऊंगी मतलब एक चीज जो हमें चाहिए वो तो निकल जाएगी चलो सो सी डी को ऊपर भेजा ये हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू अच्छा ये अपॉन में रूट थ्री है और यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं रूट थ्री एट्टी माइनस सी डी ठीक है 3, जी अब यहाँ पे रूट थ्री अपॉन में जाके मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा तो ये मेरा सी डी इक्वल हो गया थ्री एट्टी माइनस सीडी के ठीक है अब यहाँ से मैं CD की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रही हूँ सो अब क्या करूँगी मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ ये हो सी डीवल्स टू एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर या आ गया टू फोर्टी माइनस थ्री सी डी ठीक है अब सी डी को उधर भेज दो ये हो जाएगा सी डी प्लस थ्री सी डी इक्वल्स टू टू फोर्टी ये हमारा हो जाएगा फोर सी डी इक्वल्स टू 240 फोर्टी एंड दिस विल बी सी डील्स टू टू फोर्टी अपॉन 4 फोर फोर 24 तो ये आ गया 60 सो so CD की वैल्यू एक चीज हमें निकालनी थी मतलब C से लेके D तक का ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना आ गया 60 मीटर्स आ गया ठीक है पहली चीज़ तो यहाँ पे ये निकल गई तीन चीजें हमें निकालनी थी जिसमें से एक हम निकाल चुके अब हमें पता है अगर ये पूरा 80 है और वो 60 है तो कितना बचा ट्वेंटी बचा लेकिन तमीज से करके दिखाएंगे हम सो कलर ले, ले लेते हैं यहाँ पे आगे लेके चलते सॉरी ए सी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एटी माइनस क्या नेम था सी डी था शायद राइट सो एटी माइनस सी डी ऑलरेडी है, है ना हमारे पास सो सी डी अभी हमने निकाल लिया है सो ए सी इक्वल हो जाएगा 80 माइनस सिक्सटी विच विल बी 20 सो so, ए भी मेरे पास आ गया ये आ गया 20 मीटर्स ठीक है सो so, ये आ गया CD 60 अभी हमने ये निकाला दिस इज 20 एक और चीज़ निकाली थी दैट इज हाइट ऑफ द पोल मतलब ए बी या ई e, डी निकाल दो अब देख लो ए बी ई डी हमें पता है दोनों इक्वल ही यहाँ पे हमारे पास ए बी था ना ऐसे करके तो अगर मेरे पास अब सी डी आ चुका है सो अगर मैं यहाँ पे सी डी की वैल्यू पुट कर दू तो ए बी भी आ जाएगा करेक्ट तो so इसको पहले पूरा पीछे लिख लेते हैं We have root 3, bracket में 80 minus CD equal है है के, ठीक ना? So ये आ गया root 3, 80 minus, CD अभी हमने निकाला है सी डी कितना है सी डी इज सिक्सटी तो ये हो गया सिक्सटी इक्वल्स टू ए बी दिस विल बी एटी माइनस सिक्सटी ट्वेंटी और साथ में रूट थ्री To AB. अब जो AB है, है, वही वही हमारा हमारा देखो देखो दोनों हैं ना, होगा. So, हम पे ये भी लिख सकते ठीक आप क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था हमें एक बार फिर से देख लेते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स दोनों की हाइट हमने बता दी ट्वेंटी रूट थ्री आया है ये भी ट्वेंटी रूट थ्री है ये भी ट्वेंटी रूट थे दोनों इक्वली थे एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स सो इसका पोल से कितना डिस्टेंस है ट्वेंटी और इस वाले का पोल से डिस्टेंस है सिक्सटी सारी चीजें निकाल लिया आई नो देखने में कंफ्यूजिंग लगता है बट प्लीज ट्रस्ट मी क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है यहाँ बस मत अटक जाना कि मैम ने ऐसे किया मुझे भी वैसे करना आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है खुद सॉल्व करने बैठो यहाँ पे कुछ वैल्यूज अलग अलग ट्राई करोगे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं ठीक है सो so, एक बार वीडियो देखो समझो एंड देन खुद करके देखो ठीक है जहाँ अटको दोबारा वीडियो देखो और ये नहीं सोचना चाहे किसी की भी वीडियो देख रहे हो किसी से भी पढ़ रहे हो कि जैसा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया वैसे ही करना ठीक है दिस आर ऑल हिट एंड ट्रेस हो सकता है मैं दोबारा जब यह क्वेश्चन करूं तो मैं यहाँ पे कुछ और तरीके से करूँ तो वो चलेगा आंसर आपका सेम आना चाहिए अगर सही करे तो सेम ही आएगा ठीक है चलो सो दिस वॉज आ टेंथ क्वेश्चन क्वेश्चन बट इन दी नेक्स्ट सी य ने टेक के